सो क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए बना है जिन्होंने एलेवन ट्वेल्थ को थॉरली और अच्छे से रिवाइज किया है चाहे वो बायो हो चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो Hello everyone, welcome to our show. As you all know that uh, our students are eagerly waiting for the need exam that is going to be conducted in the next year, that is 2024. So for that we have lots of queries from our student side, uh, lots of our doubts also they are having. So we have a special guest with us right now, uh, Miss Nisha Ma'am. So hello Nisha Ma'am, welcome to our show. So hello Nisha Ma'am, and thank you you invited me on the talk show. Yeah, thank you so much, Ma'am. So we have our first question that. वट टाइप ऑफ़ स्टूडेंट्स शुड इनरोम से नीड क्रैश कोर्स वेरी गुड क्वेश्चन मैम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही रहती है कि हमें इनरोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सो क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए बना है जिन्होंने एलेवेंथ ट्वेल्थ को थॉरली और अच्छे से रिवाइज किया है चाहे वो बायो हो चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो बिकॉज क्रैश कोर्स कब दिया जाता है जब आपके पास टू टू थ्री मंथ्स रही हो एग्ज़ाम को मतलब होने के लिए तब आप क्रैश कोर्स के लिए अपेयर हो सकते हो और आपको क्रैश कोर्स में आपको 15 टू 16 हार प्रिपेयर करना है आपको अगर आप फ्रेशर हो अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू क्लियर द नीट एग्जामिनेशन यू ऑलरेडी नो नीट एग्जामिनेशन इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन एंड इट रैंक फोर्थ नंबर इन द एग्जामिनेशन सो जो बच्चा थॉरली उसने प्रिपेयर किया है अपना इलेवेंथ ट्वेल्थ अच्छे से पढ़ा है और उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मुझे अब बस मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ही जाना है और मुझे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे उस टाइम पे तो वही बच्चा उसको इनरोल करे ओके सो वन मोर डाउट इज देयर कि कुछ बच्चे रिपीटर्स हैं <laughs> कुछ ड्रॉपर्स हैं तो क्या इनमें कुछ वक्त का डिफरेंस होगा कि इनको इतना टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए ड्रॉपर्स को इतना चाहिए तो ये ड्रॉपर्स वाली बात है तो ड्रॉपर्स में क्या होता है कि उनको ऑलरेडी एक साल और मिल गया दो तीन महीने और मिल गए तो उनके लिए गोल्डन चांस होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको उसी पे प्रिपेयर करना है तो। और जो पहले वाले स्टूडेंट हैं जो पहली बार क्रैश कोर्स के लिए और कोचिंग के लिए जा रहे हैं तो क्रैश कोर्स में तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कराए जाएंगे अगर आपने पहले से इलेवन ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए वो एकदम और गोल्डन चांस हो जाएगा कि आप क्रिएट कोर्स में इनरोल करो अपने आप को सो वन मोर थिंग कि एनटीए एनएमसी ने सिलेबस अपडेट किया है आपको भी जी, पता जी. है सो एज अ बॉटनी टीचर व्हाट अपडेशन इज देयर कि क्या सिलेबस रिड्यूज हुआ है अपडेट हुआ है कुछ बताइए उसके बारे में सो so, बॉटनी के लिए तो मैं कहूँगी बच्चे बहुत खुश हैं कि जो चैप्टर नहीं होने चाहिए थे वो सबसे ज़्यादा मतलब मैं भी हैप्पी पी हूँ उस चीज़ के लिए क्योंकि एक चैप्टर था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड और जो चैप्टर था वो थोड़ा बहुत रिलेटेड टू फिज़िक्स था ठीक है कि उसमें थोड़ा बहुत आपको कंसेप्टल समझना पड़ता था तो दैट हैज़ बीन इरेडिकेटेड एज वेल एज दी स्ट्रेटजीज इन ह्यूमन वेलफेयर वो भी डेडिकेट हो गया है उस चैप्टर का को भी कोई मतलब नहीं था बिकॉज वो रिपीटर चैप्टर हैं जो उन्होंने सही किया है उस चीज़ के लिए बट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो एक चैप्टर था मुझे लगता था कि वो चैप्टर होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए ठीक है तो मैं उसके साथ फिफ्टी फिफ्टी थी तो अगर उन्होंने रिड्यूस कर दिया है तो बच्चों के लिए भी अच्छा है बट ये नहीं है कि अगर चैप्टर रिड्यूस हुए हैं तो आपको कम पढ़ना है आपको उससे भी ज़्यादा पढ़ना है आपको डीपली पढ़ना है क्योंकि एंड अब हमें नहीं पता है कि एन कैसे पूछ सकती है एग्ज़ाम आई नो लाइन टू लाइन ही सब कुछ पूछा जाएगा बट आपकी जो एन है वो एक कंसाइज कहते हैं कि एन सी आर टी इज़ अ बाइबल ऑफ दी नीड स्टूडेंट्स ठीक है उसके लिए आपको बस वो लाइन टच करके चले जाएंगे और आपको हर चीज़ का मतलब समझना है उस चीज़ के लिए तो मैं बच्चों को यही प्रेफर करती हूँ कि आप अगर आप इलेवन ट्वेल्थ में पहले बार अपने मतलब साइंस लिया है तो आप पहले जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है आप कंसेप्चुअल उस बात को पढ़िए आप अपने नोट्स बनाइए उसके बाद आप एन पढ़िए देन अगर आपका एग्ज़ाम है मान लो कि आपका एग्ज़ाम परसों है या दस दिन बाद है या महीने बाद है तो आप पेजेस की की बायो एक कंसाइज नोट्स फ्लो चार्ट में बनाएंगे ताकि आपको दो दिन पहले भी आप अगर उसको रिवाइज करोगे तो आपके लिए वो इजी रहेगा और आपको फिर पता होगा कि कौन से क्वेश्चन पे मुझे ज्यादा फोकस करना है That's तो it. क्या हम ये कह सकते हैं जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं तो ये बच्चों के लिए अच्छी बात हुई है या फिर कुछ लॉस भी है उनके इसमें अब एन ने कर दिया है ये सिलेबस तो हमें तो उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा और कुछ चीज़ें थी कि जो होनी चाहिए थी और कुछ चीज़ें थी कि ठीक है उन्होंने इरेडिकेट कर दी है अब क्योंकि उस कुछ सिलेबस ऐड भी हुआ है जो प्रैक्टिकल रिलेटेड है अब बच्चों को बहुत ज़्यादा डर रहता है कि फैमिलीज़ को कैसे लर्न करें और मैं जब भी क्लास में बोलती हूँ तो मैम हमें फैमिलीज याद नहीं रहती हम कैसे याद करें इनको सो फिर मैं उनको कॉमन नेम बताती हूँ कि ये कद्दू है तो कद्दू को इस साइड में ऐड करो ये भिंडी है तो भिंडी को इस साइड में ऐड करो तो आपको आप ना कि आप साइंटिफिक नेम सोच के आप रियल लाइफ में कि हाँ ये सब्जी खाती हूँ जब भी आप कोई सब्जी खाओ तो पहले आप उसका साइंटिफिक नेम देखो कि हाँ ये मैम ने बताया था ये साइंटिफिक नेम ये इसका ये होगा तो आपके लिए ईजी रहेगा कि हाँ मैं इसको ग्राफ्स कर सकती हूँ क्योंकि मोस्टली जो बॉटनी है वो प्लांट्स के बारे में है क्योंकि जूलॉजी में ऐसा होता है कि आप फील कर सकते हो कि मेरी बॉडी में ये चल रहा है मेरी बॉडी में चल रहा है और बॉटनी में बच्चों को बॉटनी बोरिंग लगती है क्योंकि बहुत सारा पौधे वगैरह ये सब पढ़ना पड़ता है तो कि मैम कैसे रिलेट करें ये चीज़ों के लिए तो आपको बस थोड़ा देखना है और इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए और जब भी मेरी क्लास होती है बच्चों के साथ तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि प्लांट्स तोड़ के लाऊँ उनको दिखाऊँ कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है ये चीज़ ऐसी होती है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हमने भी बात की प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में mm -hmm. तो हमारे पास बच्चे कुछ ऐसे भी आते हैं जो फाउंडेशन बैच में अपने आप को इन्वोल्व करवाते हैं कुछ ड्रॉपर्स हैं mm -hmm. जिन्होंने अब तक इलेवन स्कूलिंग की ही नहीं है सो प्रैक्टिकल नॉलेज तो दे आर जीरो इन दैट आप प्रैक्टिकल नॉलेज को कोचिंग में आप कैसे इंस्टीट्यूट में कराते हो अगर See, कोई टॉपिक है कुछ है ठीक है तो बॉटनी के लिए तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं अगर जैसे मैं अगर प्लांट एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो वो मेरे लिए बहुत इजी है कि उनको लाइव में दिखा सकती हूँ काट के दिखा सकती हूँ ताकि सब बच्चे ऑब्जर्व करें क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं अब ये नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा रटाफिकेशन भी है उस चीज़ों में बच्चे डरते हैं उन चीज़ों से मतलब रटने में कि मैम ये नहीं हो पाएगा हमसे तो मैं उनको लाइव फूल वगैरह जो पत्ते होते हैं वो सब दिखाती हूँ अनोटमी की बात नहीं जैसे अनॉटमी होता है इंटरनल फीचर्स अब रिटर्न याद करने हैं तो वो तो आप बच्चों को थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अपने करिकुलम में ये रखती हूँ कि उनको मैं एनिमेशन दिखाऊँ अगर आप एनिमेशन देखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा रिकॉग्नाइज करना भी कि भी क्या चीज चल रही है और क्या नहीं चल रही है एंड वन लास्ट आप कोई टिक से है, ट्रिप बच्चों को हमारे देना चाहे जो उनके एग्जाम टाइम पे उनके लिए हेल्पफुल रहे क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी एग्जाम टाइम में और क्या चीजों से दूर रहना है मैम हर चीज़ का यही है चाहे छोटा एग्जाम है कोई और एग्जाम है आई से लेके यू और नीट एग्जाम से लेके एवरी एग्जाम में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करता है अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है सो आप कुछ नहीं कर सकते आपको नीट एग्जामिनेशन के लिए अगर आपने अच्छे से अगर आप फाइव ड्रॉपर्स हैं तो आप एट हर्स प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आप ट्वेल्थ के बाद सीधा चले गए हैं कि मुझे एग्जाम की प्रेपरेशन और मुझे अभी इसी साल निकालना है एग्जाम तो आपको फिफ्टीन टू सिक्सटीन हावर सब भूल के कि मुझे पेपर क्लियर करना है और सब डिस्ट्रेक्शन को दूर रखना है फोन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेक्शन है आजकल मैं देखती हूँ बच्चों को तो फोन को भी दूर रखें कि ठीक है मुझे अभी ये कर लेना है इसके बाद मैं फ़ोन ही चलाऊंगी ये चीज़ है मेरे मेरे हिसाब से तो यही चीज़ होनी चाहिए सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई होप ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे सारे बच्चों के सारे ये डाउट्स ऑलमोस्ट उनके क्लियर हो चुके हैं so thank you so much uh, for being with us we want like such videos informative videos so you can share